नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो मेलबर्न में करो वापसी। भारतीय टीम को सीरीज में अपनी साख बचाने के लिए या कहा जाए अपनी साख को वापस पाने के लिए दूसरा टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह एडिलेड टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट हुई तो चारों तरफा उनकी बुराई और एक जो कहते हैं कि बड़ा इतनी बड़े नाम के साथ जो टीम गई हो उसका ऐसा हारना कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती कराता है। तो कहीं ना कहीं अब आपकी टीम को वापसी करनी होगी, क्योंकि आपके कप्तान हैं नहीं विराट कोहली और मोहम्मद शमी भी बाहर हैं। तो कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे के रूप में हमें कप्तान मिले हैं, वो 26 तारीख को कैसा उनकी टीम परफॉर्म करती है ये सब देखने वाली बात है। उनसे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद में आज हुई एजीएम की जो बैठक चल रही है इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए, फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आईपीएल में अब दो और नई टीमें नजर आने वाली हैं। बीसीसीआई ने अहमदाबाद में हुई बैठक में दो नई टीमों को मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई का फैसला किया है कि साल 2022 से आईपीएल 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा। फिलहाल आईपीएल में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 2021 से ही दो टीमें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इस साल मेगा ऑक्शन भी होना है जिसकी वजह से 10 टीमें 2022 को खिलाया जाएगा। अडानी और गोयनका ग्रुप खरीद सकते हैं टीम, ये भी एक नाम दो बड़े नाम है, क्योंकि इससे पूर्व में ये फ्रेंचाइजी आईपीएल टीम के मालिक रह चुके हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक या दोनों अलग अलग टीमों की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आईपीएल की दो नई टीमों के मालिक कौन होगा ये सवाल सभी के लिए दिलचस्प है। खबरों के मुताबिक आईपीएल टीम खरीदने की रेस में अडानी ग्रुप, संजीव गोयनका आगे रहेंगे। आईपीएल में एक टीम अहमदाबाद की हो सकती है जिसे खरीदने के लिए मंशा अडानी ग्रुप पहले ही जाहिर कर चुका है। अब तो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है, नए अंदाज में होंगे मैच। अब आपको बताएं जिस तरह से 2022 में 10 टीमें हो जाएंगी जब आईपीएल में, तो नए अंदाज से ही मैच होंगे। आईपीएल में खेलती दिखेंगी हर फॉर्मेट में हो सकते हैं बदलाव। फिलहाल आईपीएल राउंड रॉबिन अंदाज में खेला जाता है जिसमें हर टीम की एक दूसरे से दो दो बार भिड़ंत होती है और ज़्यादा अंक पाने वाले चार क्वालिफायर खेलती हैं, लेकिन 10 टीमें 7 के फॉर्मेट में कुछ अलग होगा जिसमें टीमों को दो ग्रुपों में बांटने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। एजीएम से दो बड़ी खबरें और सामने निकल के आई। अहमदाबाद में हुई बीसीसीआई की एजीएम में दो बड़ी खबरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सभी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर महिला और पुरुष का कोरोना महामारी के कारण घरेलू सत्र सीमित रहने की उचित भरपाई की जाएगी, और साथ ही सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC से कुछ स्पष्टीकरण के बाद ही बीसीसीआई को 2028 में ओलंपिक में शामिल करने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की कवायद समर्थन करेगी। तो अब बीसीसीआई की जो एजीएम से बैठक चल रही थी, आपको उससे जुड़ी एक और खबर बता दूं, कल सचिव 11 और प्रेसिडेंट 11 के बीच ये मैच हुआ था एक, जिसमें जयशाह 11 ने सौरव गांगुली 11 को 28 रनों से हरा भी दिया है, जिसमें सौरव गांगुली ने अपने बेहद 58 रन दिखाए और पुराने लय में दिखे। मोटेरा में अर्धशतक लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। अब बात करेंगे हम लोग बॉक्सिंग डे टेस्ट की, जिसमें हमारे साथ पहले टेस्ट में शर्मनाक हार को भुलाकर भारतीय क्रिकेट टीम ने कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ शनिवार से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान शुभमन गिल नेट्स में अभ्यास करते नजर आए। गुलाबी गेंद से खेले गए अभ्यास मैच में 63 और 65 रन बनाने के बावजूद गिल को पहले मैच में मौका नहीं मिला था। उन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ अभ्यास किया जिसमें संकेत मिला है कि दोनों दूसरे टेस्ट में पारी का आगाज कर सकते हैं। पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में पारी की शुरुआत करने वाले शुभमन गिल खराब फॉर्म से जूझ रहे पृथ्वी शॉ को से ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है। KL राहुल ने भी नेट्स में काफ़ी लंबे समय बिताया है। सिर में चोट के कारण टेस्ट से बाहर रहे हल्फनलोला रविंद्र जडेजा भी नेट्स पर उतरते हैं। उन्होंने एक घंटे अभ्यास किया और सौराज के साथ ही अपने चेतेश्वर पुजारा को गेंदबाजी भी की। इन सब पर चर्चा करेंगे कि 26 तारीख को जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होना है उनमें कौन सा प्लेयर की प्लेयर के रूप में भारतीय टीम को मिल सकता है विराट कोहली के और शमी अहमद के ना होने पर। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। थैंक यू संदीप। जिस तरह से नेट्स पे तीन जो नाम चल रहे थे जिन पे चर्चा हो रही थी, ये तीन वो नाम है रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल और KL राहुल, लेकिन एक नाम अभी भी नहीं दिख रहा है मीडियम पेसर का, कि वो चौथा जो तीसरा बॉलर है मीडियम पेसर वो कौन होगा? या वो सिराज होंगे या फिर वो नवदीप सैनी होंगे या शार्दुल ठाकुर होंगे? इन तीनों पर अभी भी कोई क्लेरिफाई नहीं है कि कौन हो सकता है।
जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मेरा अनुभव कहता है या जितना मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है नवदीप सैनी कल का मैच या परसों जो भी बॉक्सिंग डे पे स्टार्ट हो रहा है मैच, वो मैच खेलना चाहिए। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि देखिए वो बाकी दोनों गेंदबाजों के मुकाबले में ज्यादा अनुभवी है। और जहां तक रही बात, मैं लाल गेंद की बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे जो नवदीप सैनी का कद है वो भी उनको मदद देगा। देखिए लंबी हाइट का बॉलर जब ऊपर से डालता है बॉल तो उसमें थोड़ा बाउंस और एक्स्ट्रा हो जाता है। मोहम्मद सिराज है वो, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, उमेश यादव जैसा ही लगभग उनका बॉलिंग का स्टाइल है, नया बॉल वो स्विंग कराते हैं। जब भी एकदम से बॉलर की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है तो उसका रिलीज पॉइंट अलग हो जाता है, जो एडजस्ट करने के लिए बल्लेबाजों को थोड़ा सा ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए मुझे लगता है नवदीप सैनी जो है परफेक्ट चॉइस है। चॉइस होगा, अभी इनसे बात और करेंगे, लेकिन अब बैटिंग की बात कर रहे हैं। शुभमन गिल मयंक अग्रवाल के साथ नेट पे पसीना बहाते दिखे, रविंद्र जडेजा भी हमें दिखे, केएल राहुल ने भी नेट पे काम किया, तो कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है कि 4 से 5 चेंज के साथ अगर टेस्ट में उतरना कहीं सही होगा या नहीं, पहली चीज तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। अगर आप मेरी पर्सनली बात माने तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि पहले ही टेस्ट मैच के बाद अगर आप 4 परिवर्तन 5 परिवर्तन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले मैच में गलत रणनीति के साथ गए थे, तो वो एक सवालिया निशान आपके ऊपर खुद अपने आप उठा लेते हैं। मुझे लगता है कि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं इतनी आसान है नहीं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं। देखिए 2 फोर्स चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तो कप्तान कोहली नहीं है, मोहम्मद शमी चोटिल हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप और चेंजेस के लिए जाते हैं, जैसे आप रिद्धिमान शाह की जगह अगर ऋषभ पंत को लाते हैं, या फिर पृथ्वी शॉ की जगह किसी नए ओपनर को, चाहे को राहुल को लाते हैं या फिर शुभमन गिल को लाते हैं, तो देखिए आप खुद अपनी बनाई हुई रणनीतियों के ऊपर खुद भरोसा नहीं कर रहे हैं। और 4-5 दिन के अंदर अगर इस तरह से आप इतने ड्रास्टिकली चेंज करने लग जाएंगे टीम में, तो मुझे लग रहा है ना वो टीम के मनोबल के लिए ज्यादा उचित होगा, ना ही खुद खिलाड़ियों के मनोबल के लिए उतना उचित होगा। देखिए सवालिया निशान तो पहली जब पहला टेस्ट हुआ तो उसके बाद से संदीप उठने लगे कि पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, जिस तरह से इन लोगों पर भरोसा किया गया था। पृथ्वी शॉ क्योंकि पिछला जब ये आए थे टूर पे तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, फिर चोट लगी, फिर किसी कारणवश ये 1.5 साल 2 साल क्रिकेट से दूर रहे, फिर IPL में आए वहाँ पर वो लय में नहीं दिखे। चेतेश्वर पुजारा पहले जिस फॉर्म में थे वो फॉर्म में नहीं दिखे। आपको देखना होगा जिस तरह से पहली पारी में आप जिन बॉलों को रिलीज़ कर रहे थे, आप छोड़ रहे थे, उन्हें जाने दे रहे थे, उन्हीं बॉलों पर आप अगली इनिंग में आउट हो गए। गौतम गंभीर रहे, पूर्व क्रिकेटर भारतीय और कप्तान भी रहे, उन्होंने कही बहुत अच्छी बात आज कही, उन्होंने कहा कि आप पहले 2 दिन तो आप खूब हावी रहे टेस्ट में, अब वही उन्हीं गेंदों को आप चौके मार रहे थे, उन्हीं गेंद को आप लेफ्ट कर रहे थे, अगली इनिंग में आप ओवर कॉन्फिडेंस में पूरी टीम उतरी थी जिसका नतीजा 36 रन था। विशाल जी अगर आपको याद होगी 2 दिन पहले इसी प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी और लगभग ऐसी ही बात कही थी कि देखिए जब पहली इनिंग में हमारे बल्लेबाज रन बना रहे थे इसी विकेट पे, तो गेंदबाजी कुछ डिफरेंट नहीं थी, गेंदबाजी जितने भी गेंदबाज थे इसी लाइन और इसी लेंथ पे बॉल डाल रहे थे। हो ये रहा था कि जिन बॉलों को बल्लेबाज खेलने जा रहा था और बीट हो रहा था उसमें किनारे नहीं लग रहे थे, और दूसरी इनिंग में क्या हुआ कि गेंद उसी लाइन लेंथ पे डाल रहे थे मगर उसको जब खेलने जा रहे थे अगर बीट हो रहे थे तो वो गेंद बल्ले पे लग गई और सीधे विकेट कीपर के हाथ में जा रही थी। तो पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में सिर्फ यही फर्क था। मैंने पहले भी कहा था देखिए टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में ये सब टेस्ट मैच का यही मजा है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, हमने सब कुछ देख लिया है क्रिकेट में, बट अचानक एक दिन एक सेशन कोई ऐसा आता है कि आपको लगता है कि भाई ये तो हमसे छूट गया था, ये तो हमने देखा ही नहीं था। और भारतीय बल्लेबाजी की इतनी बुराई हो रही है पूरे देश विदेश हर जगह पे, मुझे लगता नहीं है कि अब कोई दूसरा ऐसा दिन आएगा जब दूसरे दिन फिर लगातार वो 36 रन पे आउट होगी। तो ये खराब दिन था, खराब सेशन था एक्चुअली, तो उसको हमें भूलना चाहिए और भूल के आगे बढ़ना चाहिए। आप यकीन मानिए यही बल्लेबाज है आपको टेस्ट क्रिकेट में 300 350 400 रन भी बना के देंगे, तो इतनी जल्दी भरोसा खोना नहीं चाहिए। और मैं फिर से आपको ये बात बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े इतने ज्यादा चेंजेस टेस्ट मैच की टीम में करना मुझे लग रहा है टीम के लिए ही हानिकारक है। हानिकारक भी है अगर देखा जाए, अगर आप 5 चेंजेस जो मतलब कॉमन, अगर 2 चेंजेस तो आपको करने ही करने हैं, शमी अहमद और विराट कोहली, इनको हटा के आप ऋषभ पंत को भी खिलाना चाह रहे हैं, आप पृथ्वी शॉ की जगह भी किसी को खिलाना चाहते हैं, आप उसमें अगर बहुत आपको चेंज करने का मन किया तो मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल को भी हटा देंगे, क्योंकि जिस तरह से ये भारतीय टीम वहाँ पहुंची है, अब मैंने कल नेट पे देखा तो विक्रम राठौर कल बात करते दिखे,
कल फुटेज आए बीसीसीआई की तरफ से कि जो भैया जो हमारे कोच हैं बैटिंग कोच वो प्लेयर्स को समझा रहे हैं, उसमें शुभमन गिल थे, मयंक अग्रवाल, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे कप्तान है वो दूसरे टेस्ट में, और पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को एक लंबा सेशन चला है, तो मुझे लगता नहीं कल पृथ्वी शॉ जब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बाहर जाने वाले हैं, वो टीम में रहेंगे। हो सकता है केएल राहुल या शुभमन गिल में से कोई ये खेल जाए। जी मुझे लगता है कि शुभमन गिल को नंबर चार पे मौका मिलना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए वो इस समय जरूर एज ए ओपनर टीम में सिलेक्ट हुए, बट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही नंबर चार बल्लेबाज के रूप में की है और ठीक ठाक रन बनाए उन्होंने। और अगर मिडिल ऑर्डर में या मध्य क्रम में उनको शुभमन गिल जैसा टेक्निकली परफेक्ट कोई ऐसा बल्लेबाज मिल जाता है या अपने आप को स्थापित कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो आने वाले 10-12-15 सालों तक वो क्रिकेट खेल सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल को का जरूर मिलना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने उनको आप एकदम से ओपनिंग में उतार देंगे तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के लिए भी अन्याय जैसी स्थिति है। फिर आप अगले मैच में रोहित शर्मा आ जाएंगे तो फिर आप किसको बाहर करेंगे, किसी एक खिलाड़ी को तो बाहर कर जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने पहले टेस्ट मैच में जो टीम पिक की है आप उसके साथ जाएं। पृथ्वी शॉ ठीक है कोई बात नहीं है, बहुत लोगों ने उनकी बुराई कर दी, मगर उन बुराइयों के बावजूद आपने पहला टेस्ट मैच खिलाया तो कुछ तो आपको भरोसा होगा ना उस खिलाड़ी के ऊपर। और एक मैच में अगर, और मैं तो ये कह रहा हूं देखिए मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ और दोनों की बात करें तो मुझे लग रहा है ज्यादा डिसअपॉइंट मयंक अग्रवाल ने किया है। उसका रीजन मैं ये देना चाहता हूं कि देखिए वो सेट होके दोनों इनिंग में आउट हो गए उनको सेट होने का मौका ही नहीं मिला। और एक ओपनर अगर पहली दूसरी चौथी पांचवीं बॉल पे आउट हो जाता है तो देखिए उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर आप सेट हो गए 30-35-40 बॉलें खेल लिए उसके बाद एक आप रेस्ट शॉट खेल के आउट हो जा रहे हैं तो ये ज्यादा मुझे लग रहा है धक्के वाली बात है। तो मयंक अग्रवाल ने ज्यादा निराश किया है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप जो है सोच रहे हैं पृथ्वी शॉ को बाहर करने के लिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है उस नौजवान खिलाड़ी के लिए, उसको एक मौका और दीजिए। नंबर चार पे आप शुभमन गिल को खिलाइए, आप चाहे तो राहुल को भी खिला सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर चेंजेस किए जाएंगे इस टीम के साथ, क्योंकि ये टूर कोई छोटा टूर नहीं है। T20 और वनडे जरूर समाप्त हो गए हो लेकिन ये टूर छोटा नहीं, यहां से आपको 2021 वर्ल्ड कप भी देखना है, यहां से आपको काफी चीजें क्लियर करके चलनी है। आज नंबर चार पर विराट कोहली सिर्फ गए हैं, एक लीव पे हैं क्योंकि वो पिता बनने वाले, इसलिए भारत वापस आए। आने वाले 8-10 सालों बाद जब विराट कोहली नहीं होंगे तब हमारे पास क्या ऑप्शन है। नंबर छः पे अभी भी हम लोग लगभग 2 साल होने जा रहे हैं टेस्ट से संन्यास लिए हुए, 3 साल बल्कि, महेंद्र सिंह धोनी को। 6 नंबर पर अभी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं ऋषभ पंत और रिद्धमान साहा में, अभी भी। ओपनिंग की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के बाद जब नंबर चार की बारी आई तब आपके विराट कोहली ने वो जगह ले ली, नंबर तीन पे पुजारा ने ले ली। ओपनिंग ना गंभीर और सहवाग वाली वो ओपन ही नहीं दिखती है, वो बीच में मुरली विजय और उनकी एक जोड़ी बनी जरूर थी लेकिन उसके बाद जैसे एक प्लेयर चोटिल होता है बिल्कुल वो समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो तलाश रहे, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन के साथ वो परफेक्ट प्लेयर नहीं मिला है जो युवराज की जगह ले सके, जो सुरेश रैना की टीम में जगह ले सके, या जगह नहीं ले सकते बल्कि उनकी भरपाई कर सकते हैं। रोहित शर्मा नहीं है अगर तो उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता टीम में। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं इसमें इस कड़ी में एक नाम और जोड़ना चाहता हूं, केएल राहुल का। अगर आपको याद हो केएल राहुल ने भी लगभग 2 साल तक लगातार टेस्ट मैचेस में इंडियन क्रिकेट टीम की ओपनिंग का स्थान उन्होंने संभाल रखा था और ठीक ठाक रन भी बनाए थे, मगर एक बार वो चोटिल हुए, टीम से बाहर हुए, उसके बाद जब दोबारा आए तो फिर सीधे मिडिल ऑर्डर में पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है इंडियन क्रिकेट टीम की कि कोई भी खिलाड़ी अगर किसी का रिप्लेसमेंट आता है तो आपको समझना चाहिए कि वो खिलाड़ी रिप्लेसमेंट है, वो चाहे जितने रन बना दे। देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, साउथ अफ्रीकन और इंग्लैंड के क्रिकेट में और इंडियन क्रिकेट में यही फर्क है, उनके पास कोई खिलाड़ी खेल रहा है टीम में और उसका कोई रिप्लेसमेंट आता है, वो चाहे 200 रन बना दे, 300 रन बना दे, मगर अगले मैच में जब वो पहले वाला खिलाड़ी फिट हो जाता है तो 300 रन बनाने वाला बाहर जाता है और वो जो पुराना खिलाड़ी जो लगातार खेल रहा है वो टीम में वापस आता है अपनी बैक परफॉर्मेंस की वजह से। बट इंडियन टीम में ऐसा है नहीं। मैं बार बार फिर लगातार वही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इस मैच में दोनों ओपनर्स ने रन बना दिए तो रोहित शर्मा की जगह बाहर कौन होगा? आप देखिएगा रोहित शर्मा को जगह नहीं मिलेगी टीम में। अभी हम लोग रोहित शर्मा की बहुत डिमांड कर रहे हैं बट अगर दोनों ओपनर्स ने रन बना दिए तो तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल जगह बनेगी नहीं, या तो फिर आप बहुत डीप टीम में जाकर चेंज करके लाएं कि नहीं रोहित शर्मा को खेलना ही खेलना है, कि तो या तो ऑस्ट्रेलियन या अफ्रीकन जो रोटेशन पॉलिसी है वो अपनाने लगें कि अगले मैच में इनको खिला लेंगे, लेकिन उससे भी फायदा नहीं हुआ है भारतीय टीम को, रोटेशन पॉलिसी भी हो चुकी है। आपको याद हो एक इंग्लैंड टूर गया था इंडिया का तो
द्रविड़ कैप्टन थे तो द्रविड़ बॉलर चेंज कर रहे थे, नंबर 6 पे खुद आ जाते थे या नंबर 3 पे आ जाते थे, सचिन को नीचे कर देते थे, युवराज से ऊपर आते थे या फिर युवराज के नीचे आ जाते थे, किसी रोटेशन पॉलिसी आ जाए। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ग्रेग चैपल कोच थे, वो ओपन करा देते थे जाके इरफान पठान से, इरफान पठान को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ ग्रेग चैपल का रहा, उन्होंने उसको बॉलिंग छुड़वा के बैटिंग करा डाली। उसका खामियाजा आज भी है कि इतने कम उम्र में उनको संन्यास लेना पड़ा और आज हम लोग लेफ्ट आर्म एक जो मीडियम पेसर उसकी आज भी कमी खलती है भारतीय टीम को। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, एक चीज इसी में और जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने इतनी देर तक बोला उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। आप देखिए इंडियन क्रिकेट में बहुत एक ट्रेडिशन लगभग चला आ रहा है कि जो बाहरी दौरे पे फॉरेन जब भी कंट्री जाती है कोई भी टीम, तो आप देखिए एक आध ऐसे खिलाड़ी जरूर होते हैं हर टूर पे कि जो दौरे के बीच में इंजर्ड हो जाते हैं और इंडिया वापस आ जाते हैं। तो इवन इतना हाई परफॉर्मेंस हमारे पास जो भी स्पीजियोज हैं और तमाम ट्रेनर्स हैं उन सबके बावजूद ये स्थितियां लगातार बार बार होती हैं। तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन यही है, देखिए कोई भी खिलाड़ी आसानी के साथ टीम में स्थान अपना किसी दूसरे खिलाड़ी को देना नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कोई दूसरा खिलाड़ी इस जगह पे आया, भले मेरा सब्स्टिट्यूट ही आ रहा है, उसने परफॉर्म कर दिया तो मेरा पत्ता कटेगा। तो इसलिए खिलाड़ी अगर हाफ फिट भी है तो वो खेलने का रिस्क जरूर लेता है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े दौरे जब होते हैं तो वो टीम के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए भी वो स्थितियां जो है वो विपरीत हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है बड़ा रीजन है, खिलाड़ियों को विश्वास जरूर दिलाना चाहिए कि देखिए आपका स्थान निश्चित है, अगर आप इंजर्ड हैं या आप किसी भी वजह से आप टीम से बाहर हैं, कोई आपकी जगह आ रहा है तो सिर्फ वो आपकी अनुपस्थिति में वो जो है टीम में जगह बनाने के लिए आ रहा है, ना कि वो परफॉर्मेंस करके आपको टीम से बाहर कर देगा। बिल्कुल टीम से ये दिक्कत है, ये इतने ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आपका जो कंपटीशन बढ़ गया एक पोस्ट में, मतलब एक स्थान के लिए पांच पांच छह छह लोग आपके पास है। अब विकेट कीपिंग स्लॉट ऐसा नहीं कि धोनी के बाद कोई मिल नहीं रहा है, मिल बहुत रहे लेकिन धोनी से 1% नीचे का कोई नहीं मिल रहा है, ना उससे ऊपर का कोई मिल रहा है। आप देखिए ईशान किशन है हमारे पास, अगर बात की जाए तो रिद्वान साहा, ऋषभ पंत, केएल राहुल खुद विकेट कीपर हैं, ऐसी तमाम से चार पांच नाम जब एक ही पोजीशन के लिए हो। ओपनिंग की बात की जाए तो शुभमन गिल है वहाँ पर, सूर्यकुमार यादव है, ईशान किशन का नाम यहाँ पर भी है ओपनिंग के लिए, मयंक अग्रवाल है, शिखर धवन, रोहित शर्मा, तो इतने नामों में जब सेलेक्टर्स बैठते हैं लेकिन सेलेक्टर्स भी वो चार कोर अलग कर लेते हैं और उनके बाद उनको कहते हैं आधे लोग 15 में हैं, अब तो ये तो 44 लोगों की टीम गई थी, इसमें भी ऑलराउंडर सिर्फ 3 ही गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखिए समस्या तो है लेकिन बार बार मेरा मानना यही है कि एक मैच की हार या एक खराब दिन से टीम में इतने ढेर सारे परिवर्तन उचित नहीं है। देखिए क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं कि अगले मैच में फिर अगर आप इतने ढेर सारे चेंजेस कर देते हैं तो अगले मैच में आप खिलाड़ियों के ऊपर डबल प्रेशर दे रहे हैं, उनके पास मैच जीतने का या मैच में अच्छा परिणाम पाने का प्रेशर तो है ही है, साथ में फिर अपनी प्लेस के लिए भी लड़ने लग जाएंगे वो, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि अगर ये मैच में हम खराब कर देंगे तो हम बाहर हो जाएंगे और जो और बाहर बैठे हैं वो टीम में अंदर आ जाएंगे। तो विश्वास देखिए दिलाने वाली चीज है और परफॉर्मेंस जो होती है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी तकनीक आपकी फॉर्म के साथ साथ आपके ऊपर टीम मैनेजमेंट कितना भरोसा दिखा रही है इस पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल, अभी इस पे जो आपने बात की टीम लाइन में कितना भरोसा आ रही है, बिल्कुल इस पे बात हम लोग आगे भी करेंगे संदीप, कि जिस तरह के एक प्लेयर को टीम पे कितना भरोसा होगा या मैनेजमेंट कितना भरोसा करके आपको टीम में रखती है, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है यहाँ छोटे से ब्रेक का। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000
एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रूपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हां करेक्ट होता बावली, सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग खास शो मेलबर्न में करो वापसी। इसमें वापसी जब होगी जब हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज एकजुट होकर एक टीम बनकर ऑस्ट्रेलिया टीम पर प्रहार करेंगे। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अभी जब NCA रोहित शर्मा गए हुए थे तो रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे थे। वहां से जब फिट होने के बाद लोगों ने राजीव शुक्ला से कहा कि प्रेस वार्ता एक जगह अहमदाबाद में कर रहे थे, तो उनसे कहा गया कि आप कंसल्टेंट बनाकर राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए, शायद उनको इतना अनुभव है, वो टीम के साथ जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। तो उधर से जब राजीव शुक्ला ने जवाब दिया कि कोई कहीं नहीं जाने वाला, हमारी टीम यही अच्छा कर देगी, कुछ दिन रुक जाइए। ये जवाब अभी नए BCCI उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने दिया। जी जी बिल्कुल। अब देखिए, BCCI के पदाधिकारी हैं, बहुत दिनों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो बहुत ज्यादा उनके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता तो है नहीं, बहुत ज्यादा अनुभव है उनको हर चीज का। बट मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी अगर इंडियन टीम के साथ जुड़ते हैं तो जरूर इंडियन क्रिकेट टीम का भला होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं, आप वर्ल्ड में किसी भी क्रिकेटर से, किसी भी क्रिकेट प्रेमी से या जो भी क्रिकेटी समझ रखता है आप उससे बात करेंगे तो जरूर वो भी यही बोलेगा। तो इस पे ज्यादा बोलना मुझे लग रहा है उचित नहीं है। मैं एक चीज विशाल जी ये बोलना चाहता हूँ कि ये 4 टेस्ट मैच की जो सीरीज है इसमें भी एक टेस्ट मैच हुआ है, और एक टेस्ट मैच में जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि देखिए दोनों इनिंग में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, एक इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, सिर्फ एक इनिंग, और एक इनिंग का ही वो सिर्फ एक घंटा एक सेशन जो था वो खराब हुआ है। इतनी पैनिक सिचुएशन हुई नहीं है कि टीम में पूरी टीम बदल दो, 5 खिलाड़ी बदल दो, कीपर भी बदल दो, सारे ओपनर्स भी बदल दो, इतनी पैनिक सिचुएशन आई नहीं है। तो मुझे लग रहा है अगर चयनकर्ता या कोचेज कोच है जो टीम का या जो कप्तान है, अगर इन चीजों को एक खराब दिन समझ के टीम का मनोबल उठाते हुए, टीम के खिलाड़ियों का मनोबल उठाते हुए अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं तो टीम कोई अच्छा रिजल्ट दे दे, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा रिजल्ट भी टीम दे सकती है। मगर उसी एक खराब परफॉर्मेंस की वजह से आप अगर आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे टीम, तो तीसरी बार मैं इसी कार्यक्रम में बोल रहा हूं कि फिर आप संभलने वाले नहीं है, क्योंकि तब डबल प्रेशर आएगा आपके ऊपर, मैच का भी प्रेशर है और अपनी खुद की परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है। इतना प्रेशर लेके अगर ये टीम खेलेगी तो 36 नहीं, मुझे लगता है ये और भी कम स्कोर बनाएगी। अगर इतना प्रेशर जो आप बता रहे हैं, इतना प्रेशर लेके कोई भी टीम नहीं खेल सकती है। सारे ऑस्ट्रेलियंस की अगर हम लोग बात करें जो पूर्व में भारतीय टीम को घेरा करते थे, वो भी भारतीय टीम के साथ है कि नहीं? पहला हो सकता है भारतीय टीम बहुत ही बाउंस बैक बहुत तेज करेगी, और आपको देखना होगा कि भारतीय टीम का बाउंस बैक कितना खतरनाक होगा। ये ब्रेड हॉज ने कहा, बैट्समैन रहे हैं, और जस्टिन लैंगर ने भी कहा कि हम लोग को भारत को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। जरूर वो खराब दिन था जिसकी वजह से वो इतने कम स्कोर पर आउट हो गए। अगर मैं कोच होता और मैं रवि शास्त्री की जगह होता तो मैं फिर वही कहता, इसी टीम को उतारो, यही बंदे हमारे बाउंस बैक करेंगे। तो वो जस्टिन लैंगर को भी पता है कि ये भारतीय टीम कुछ भी कर सकती है, उनको पता है कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है उनकी टीम को, उनके लोगों को, इसलिए इस टीम को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जी 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 सही कह रहे हैं। और देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम भी देखिए, उसको बहुत मजबूत मत समझिए, गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है,
मगर बल्लेबाजी आप देखिए तो वो तो बल्लेबाजी में उनको एक मैच एक इनिंग में मौका मिला तो हमसे पीछे ही रह गए वो, उनके पास भी डेविड वार्नर है नहीं और ओपनिंग की समस्या उनकी भी है, तो कोई बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में है नहीं वो। एक मैच जीतने के बाद उनकी जो कमियां हैं उनको हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्लेबाजी देखिए कहीं ना कहीं उनकी भी बैकफुट पे है, तो जो इस तरह की चीज है इस जो प्लस पॉइंट निकल गया इंडियन टीम के लिए पहले मैच में, हमें लग रहा है उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, खिलाड़ियों को उनके बारे में बताना चाहिए और उस रणनीति के साथ हमें अगले टेस्ट मैच में के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम भी सिर्फ एक घंटे ही इंडियन टीम से आगे रही है, बाकी दो दिन इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया टीम से आगे रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो अगला टेस्ट मैच है बॉक्सिंग डे पे, मुझे लग रहा है कि अच्छी रणनीति के साथ मिनिमम चेंजेस के साथ इंडियन टीम जो है अगले टेस्ट मैच में जाएगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मिनिमम चेंज की अगर संदीप बात करें, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मिनिमम चेंज की भी अगर हम लोग बात करें तो वो चार होते हैं, मतलब दो तो कंपलसरी है वो आपको करने ही है, एक अगर आप जडेजा को लाते हैं हनुमान विहारी की जगह अगर वो फिट हैं तो तीन ये हो गए, एक आपको मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शॉ में से किसी एक को बाहर करके शुभमन गिल को खिलाना पड़ेगा, उनकी कैपेबिलिटी क्या है वो कैसा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे में ये भी आपको देखना पड़ेगा, तो चार चेंजेस तो लगभग करने ही है। हनुमा विहारी की अगर बात कहें तो हनुमा विहारी देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए कि लगातार वो रन बना रहे हैं टीम के लिए और एक मैच मुझे लग रहा है खराब हुआ है उनका और चारों तरफ से बातें हो रही हैं कि भाई हनुमा बिहारी को ड्रॉप कर दीजिए, भाई क्या गलती है उनकी हनुमा बिहारी की, लगातार वो टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहे हैं और छह नंबर पे जहां पे वो बैटिंग कर रहे हैं देखिए उनका एवरेज भी 40 से ऊपर है, लगातार उन्होंने वेस्ट इंडीज में सेंचुरी बनाई थी, लगातार वो टीम को विषम परिस्थितियों से निकालते रहे, पिछली बार ऑस्ट्रेलिया टूर में भी उन्होंने रन बनाए थे। हाँ समस्या क्या है, समस्या ये है कि उनमें थोड़ा ग्लैमर नहीं है, हनुमा बिहारी थोड़ा गुस्सा नहीं करते ग्राउंड पे, थोड़ा सा वो दाढ़ी वाड़ी और थोड़ा सा वो ग्लैमर की कमी है हनुमा बिहारी के अंदर, बस नहीं तो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता कि उनको टीम से बाहर करो, चुपचाप शांति से टीम में खेलते हैं और टीम के लिए रन बनाते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक मैच में फ्लॉप हो जाओ तो सब कहते हैं भाई इसको बाहर करो, तो बिल्कुल अगर ये बड़ी बात आपने कही हनुमा बिहारी थोड़ा ग्लैमरस नहीं है और लोगों से लगता है कुछ ग्लैमरस, पर रवि जडेजा की भी जगह बनी चाहिए। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम लोगों से, बताने के लिए भारतीय टीम को किस तरह से अब अपनी रणनीति को बनाना चाहिए और किस तरह से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पे उतरना चाहिए। अजिंक्य रहाणे पे बहुत बड़ा भार होगा, किस तरह से पांच चेंजेस अगर करके उतरते हैं तो उस टीम पे दबाव कितना होता है और वो टीम कितना परफॉर्म करती है, और अगर वो टीम परफॉर्म करती है तो रोहित शर्मा की जगह कैसे बनेगी, इन सब के सवालों के साथ 26 तारीख को जब टीम इंडिया उतरेगी तो जवाब वहीं मैदान पर मिलेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी।